सबसे पहले एक बात क्लियर करूंगा Redmi 12 5G है Redmi Note 12 5G नहीं है क्योंकि Instagram पर मैंने जब रील डाली थी इस फोन के रिगार्डिंग तो बहुत लोगों ने कमेंट कर दिया था कि ये 17,000, 16,000 में अवेलेबल है बट दैट इज द Redmi Note 12 5G। ये Redmi 12 5G है Redmi, प्लीज <laughs> ये जो नेमिंग का सेपरेशन है वो प्लीज करके रखना बट एनी वेज रेडमी ट्वेल्व फाइव को पिछले दो हफ्ते से यूज कर रहा हूं एंड इस वीडियो में एकदम क्लियर कट आपको बताऊंगा कि आपको ये खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए इसके पॉजिटिव्स क्या है नेगेटिव्स क्या है सो गाइस चैनल पर नए हो तो यू नो वट टू डू एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड फोन का डिजाइन पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा बैक साइड एंड फ्रंट साइड में आपको कॉलिंग गुरिला फाइव का प्रोडक्शन मिलता है कितने बार भी गिरा एक दो बार मैंने गिरा के भी देखा हुआ है सो तो बिल्ड क्वालिटी आई रियली लाइक इवन जो बैक साइड में कैमरा है उसमें आपको रिंग्स मिल जाते हैं सिल्वर कलर के जो एक अच्छा सा फिनिश देते हैं कैमरा मॉडल को एंड आपको कैमरा आई नहीं मिलता है तो एक मिनिमलिस्टिक लुक के साथ आता है ये फोन इसके फ्लैट साइड्स मुझे बहुत पसंद आए प्लास्टिक के बने हुए हैं बट इसका जो फिनिश है वो ऐसा लगता है कि एकदम मेटल के बने हैं एंड लुक वाइज इट लुक्स वेरी वेरी मिनिमलिस्टिक एंड कूल ऑनिस्टली बताओ बारह हजार के प्राइस में आने वाला फोन नहीं लगता है। ये प्रीमियम है काफी फ्रंट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डॉट डिस्प्ले मिल जाता है ये बेसिकली होल पंच डिस्प्ले होता है जिसको एक डॉट डिस्प्ले के नाम से नाम दिया जाता है फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके पावर बटन में है एंड पावर बटन का जो प्लेसमेंट है वो एकदम कंफर्टेबल है आराम से मेरा जो थम है रीच करता है तो इजिली कभी भी ट्रेन में हो बाहर हो एकदम क्विकली निकाल के आप अनलॉक कर सकते हो फोन को फिंगरप्रिंट रिस्पोंस इज गुड एवरी टाइम अनलॉक हो जाता है बट आई यूजुअली प्रेफर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स खाइनस इसका जो वॉल्यूम बटन है उसका रिस्पोंस भी काफी अच्छा है क्लिकी की है फोन के टॉप साइड में आईआर ब्लास्टर है एसी टीवी सब कंट्रोल कर सकते हो 3.5 एमएम जैक दिया है कंपनी ने ज गुड क्योंकि यूजली बार हजार के प्राइस पॉइंट पे ब्लूटूथ ईयरफोन यूज करने वाले काफी कम होते हैं तो ऐसे में थ्री पॉइंट फाइव एम जैक प्रोवाइड करना बहुत अच्छी बात है बॉटम साइड में टाइप सी पोर्ट आपको मिलता है सिंगल स्पीकर है नीचे के साइड में आप इसमें दो फाइव जी सिम कार्ड डाल सकते हो एंड वन टीबी तक मेमोरी एक्सपैंड करने का ऑप्शन दिया हुआ है वैसे तो जरूरत नहीं थी क्योंकि इसका जो बेस वेरियंट है वही वन ट्वेंटी एट जीबी के साथ आता है तो बाय डिफॉल्ट आपको ज्यादा स्टोरेज मिल रही है बट इफ यू वॉन्ट टू अपग्रेड यू कैन टेक्निकलिफिकेशन बताओ तो स्नैपड्रेगन फोर जेन टू चिपसेट आपको अवेलेबल है इसमें स्नैपड्रैगन फोर जेन टू प्रोसेसर चार प्रोस पे बना हुआ एंड अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जाओ तो चार नैनोमीटर मतलब प्रोसेसर के अंदर जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चार नैनोमीटर है और जितना छोटा डिस्टेंस होता है उतना सिग्नल पास होने में कम टाइम लगता है तो एफिशियंसी बढ़ जाती है एंड जो बैटरी कंजम्पन्न है वो कम हो जाता है एंड मुझे नहीं पता रेडमी ने कैसे किया बट बारह हजार प्राइस में चार नैनोमीटर प्रोसेसर देना इज वेरी गुड थिंग आई होप बाकी कंपनीज भी इसको देखकर फॉलो करना स्टार्ट कर ले क्योंकि एज अ कंज्यूमर मेरा बिलीफ है कि हमें वैल्यू फॉर मनी मिलना चाहिए तो लेट्स बाकी कंपनीज अभी क्या करती है एनीवेज इसकी स्पेशलिटी है 5G. कम से कम प्राइस में आपको फाइव अवेलेबल करना इज द गोल बिहाइंड दिस फोन फाइव टेस्ट भी मैंने बहुत सारे किए यहाँ पर मैंने जियो सिम कार्ड डाला हुआ है फोन के अंदर विंडोज मैंने टेस्ट किया तो ठीक ठाक ही स्पीड पर अगर आप बाहर जाते हो कोई टावर के पास अगर रहते हो तो आपको अच्छा खासा स्पीड मिल जाता है इस पर वैसे तो कॉल ड्रॉप इश्यूज फेस नहीं किए नेटवर्क कनेक्टिविटी हमेशा सही रहती है बट 5G को ऑलवेज ऑन रखने के लिए कोई ऑप्शन मुझे यहाँ पर नहीं दिखा इवन सेटिंग्स में मैंने चेक किया आई I मीन mean जैसे आईफोन में ऑप्शन आता है कि आप 5G को हमेशा ऑन रख सकते हो वैसा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है फाइन तो कनेक्टिविटी के हिसाब से यहाँ पर फोर जी एंड फाइव जी के बीच में फोन स्विच करते रहता है। इसके फ्लैट एजेस होने की वजह से फोन कहीं पर भी एकदम स्टेबल टीवी शोज़ या फिर मूवीज जब मैं देख रहा था एंड फॉर समीजन एच वाले जो फोन है मुझे इनहैंडील बताओ तो काफी कंफर्टेल है इसके कर्व कॉर्नर होने की वजह से फोन हाथ में चुपता नहीं है एंड इसका जोसर ब्लू कलर है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है वैसे तो और दो कलर ऑप्शन अवेलेबल है इसके डिस्प्ले की बात करो तो फुल एच प्लस डिस्प्ले आपको मिलता है इस प्राइस पॉइंट पर यूजली कंपनीज एच

इसटर भी मैंने ऐसा नोटिस नहीं किया बस कुछ कुछ एप्स है जो नाइन्टी हर्ट सपोर्ट करने चाहिए बट स्टिल यहाँ पर नहीं कर रहे हैं जैसे कि यूट्यूब पर अगर मैं स्क्रोल करता हूं तो थोड़ा सा अब्रप्ट स्क्रोलिंग दिखती है नाइन्टी हर्ट का जो स्मूदनेस है वो यूट्यूब पर मुझे नहीं मिला बट अब ये ऐसी बात होगी कि मैं कितना ही कंप्लेन करूँ क्योंकि प्राइस के हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन रेडमी इस फोन में प्रोवाइड कर रहा है पर्सनली बोलो तो मुझे वर्थ इट लग रहा है और एक चीज अच्छी बात है यहाँ पर वाइड वाइन एलवन का सर्टिफिकेशन है दैट मीनस नेटफ्लिक्स एमजोन प्राइम ओटीटी एप्लीकेशन जो है वो आप एकदम फुल एच में स्ट्रीम कर पाओ स्पीकर आउटपुट मुझे इस फोन का डिसेंट ही लगा है शोज मूवीज के टाइम जो डायलॉग्स है आते हैं वो क्रिस्प आते हैं आप आराम से सुन सकते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है बट म्यूजिक में लाउड स्पीकर पे सुनना रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि यहां पर जो ऑडियो है वो काफी ज्यादा ज्यादा आती है वैसे तो सिंगल स्पीकर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बट आउटडोर कंडीशन आप ट्रैफिक में अगर सुनना चाहते हो तो शायद आपको कान में लगाना पड़े बट नॉर्मली अगर आप रोड पे चल रहे हो ज्यादा ट्रैफिक नहीं है तो आप एकदम आराम से लाउड स्पीकर पर सुन सकते हो आउटडोर ब्राइटनेस की बात करेंगे 500 की ब्राइटनेस मिलती है ऑन पेपर टेक्निकली फाइव फिफ्टी इंडोर यूजेज ब्राइटनेस इज गुड रात के टाइम भी इतना स्ट्रेन नहीं आता आंखों पर बट आउटडोर अगर बारह बजे डायरेक्ट सनलाइट में देख रहे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है वैसे तो वन नाइन्टी एट ग्राम इजी टू कैरी लाइट वेट ज्यादा पॉकेट में भी हैवी नहीं आईपी फिफ्टी थ्री की रेटिंग है स्प्लैश प्रूफ है तो अगर आप हाथ धोते वक्त यूज करते हो या नहाते वक्त थोड़ा बहुत पानी उड़ जाता है तो इट इज फाइन टॉकिंग अबाउट अबाउटेंस फोर जीबी रैम इसका बेस वेरिएंट है एंड आठ जीबी तक इसके वेरिएंट्स अवेलेबल है मार्केट में फोर जीबी रैम वाला सबसे सस्ता है यू एफ एस स्टोरेज है यूएफएस स्टोरेज नहीं है तो इस चीज का ध्यान रखना अगेन इस प्राइस पर EMM से स्टोरेज परफेक्ट है बट जैसे स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किए हैं रेडमी ने अगर UFS स्टोरेज भी आ जाता तो अलग ही मजा आ जाता LPDDR4X RAM है अच्छे से सारे जो है, वो बैकग्राउंड में रन करते हैं आपको वर्चुअल रैम से भी एक्सपेंशन का सपोर्ट मिलता है जो अगर आप करना चाहते तो वो डिसेंटली ही लोड हो जाते हैं एकदम ज्यादा टाइम भी नहीं लेते लोड करने के लिए एंड इवन जो यूआई एनिमेशन है वो भी एकदम स्मूथ रहता है वो काफी फास्ट होता है एंड ऐसे में कोई स्टर्टर्स नहीं देखे बट अगर आप हेवी गेम खेलने के बाद हो है. 14 आपको मिलता है, Box, साल के एंड्रॉइड अपडेट आपको मिल जाएंगे सिक्योरिटी अपडेट तीन साल तक मिल सकते हैं मैंने यहाँ पर थ्रोटल टेस्ट किया हुआ है एंड थ्रोटल टेस्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो ऑप्टिमाइजेशन की डेफिनेटली जरूरत है इस सीपीओ को बट मेजरली ग्रीन साइड रहता हैं तो थर्मल्स अच्छे से मैनेज कर पा रहे अगर एक्सटेंडेड टर्म तक करोगे तो

प्रोवाइड कर देता है टॉकिंग अबाउट द बैटरी आपको दिन भर का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आराम से दिन भर गेमिंग करने के बाद मूवीज टीवी शोज फाइव जी ऑन था वाई फाई भी यूजेज था सुबह सात बजे हंड्रेड परसेंट लेके निकला था और सब करने के बाद शाम को छह बजे दस से पंद्रह परसेंट की बैटरी बची हुई थी तो आराम से दिन भर का आपको बैटरी बैकअप आप मिल जाएगा बट इसके जो चार्जिंग स्पीड है वो थोड़े से दिक्कत दे सकते आपको ऑलमोस्ट दो घंटे लग जाते हैं जीरो से हंड्रेड होने में तो आपको उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी आपके चार्जिंग की वैसे तो बॉक्स के अंदर आपको ट्वेंटी टू का चार्जर मिलता है बट सिर्फ एटीन वॉट की चार्जिंग ही सपोर्टेड है तो ये चीज ध्यान फाइनली आपको यहाँ पर फिफ्टी मेगा का ए कैमरा मिल जाता है।, 50 मेगा अगर आपको पे निकालना है तो अलग से मोड मिलता है उस पर आप क्लिक कर सकते हो। नहीं, तो कलर्स आर गुड डे लाइट आउटडोर कंडीशन में फोटो क्लिक करते हो तो डायनामिक रेंज अच्छा है शेडोज अच्छे से मैनेज लेता है इंडोज एज यूज थोड़ी सी आपको दिक्कत फेस होगी अगर अच्छी खासी लाइटिंग है कोई फंक्शन में गए तो फोटोज विल बी गुड बट लाइट अगर थोड़ी कम है तो नॉइज कैप्चर करता है वीडियोस की बात करेंगे 1080p 30fps तक मैक्सिमम सपोर्टेड है तो आपको स्टेबल शूट करनी है तो पोर्ट्रेट मोड की बात करूं तो डिसेंट ही है की फोटोस क्लिक तो एस लेता है, कुछ आ जाती है सामने आउट ऑफ द बॉक्स आपको उतने ज्यादा कैमरा मोड नहीं मिलते हैं एक्स्ट्रा जो बेसिक टाइम लैब्स वीडियो फोटो पोर्ट्रेट नाइट एंड फिफ्टी मेगा ऐसे कुछ छह से सात मोड मिलते हैं सेल्फीज की बात करूंगा तो सेल्फीज डिसेंट हैं स्किन थोड़ा सा बेटर हो सकता है सेल्फीज में आउटडोर कंडीशंस में स्किन टोन मैनेज कर लेता है अच्छे से बट इंडोर्स वापस से थोड़ा सा व्हाइटेज फील आता है बाय डिफॉल्ट इसका जो ब्यूटिफिकेशन है वो ऑन रहता है तो उसको आपको बार बार ऑफ करना पड़ेगा अगर आपको एकदम से क्रिंजे टिकटॉक लाइक फोटोज नहीं चाहिए तो बट ओवरऑल आई फील द फोन इज ग्रेट लुक वाइज अच्छा है बारह हजार में जितना ज्यादा मिल सके उतना प्रोवाइड करने का ट्राई किया है तो पर्सनली मैं कहूंगा तो आई वुड रिकमेंड दिस कैमरा शायद आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दे बट परफॉर्मेंस अगर आपको परफॉर्मेंस प्रायोरिटी है डिस्प्ले प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली इस फोन को आप फोनिडर कर सकते हो अगर क्विकली प्रोज एंड कॉन्स को समराइज करूं तो स्टार्ट करते हैं कौन से यहाँ पर चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है बीजीएमआई खेलते टाइम थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है डे लाइट का आउटडोर कंडीशन आउटपुट अच्छा है बट ऑब्वियसली फोटोग्राफी लेवल एक्सपेक्ट मत करना एंड अगर अच्छी चीजों के बारे में बात करूँ स्नैपड्रेगन फोर जेन टू प्रोसर आपको मिलता है बहुत ही प्रोसेसर इस प्राइस पर मतलब यूजली आपको हीलो जी एट या फिर हीलो जी ऐसे गेमिंग प्रोसेस मिलते हैं एंड उनसे तो ये काफी बेटर है बैटरी बैकअप इसका बहुत अच्छा है आपका दिन भर का यूजेज एकदम अच्छे से हैंडल कर लेगा एंड इवन डिस्प्ले के जो एंगल्स है वो भी काफी अच्छे हैं तो फाइनली वर्ड की बात करो तो ये यू कैन गो फॉर इट मेरे हिसाब से काफी अच्छा ऑप्शन है फाइव जी आपको मिल रहा है इलेवन फोर नाइन नाइन स्टार्टिंग है इसकी प्राइस बाकी अगर आपको फोन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपको एकदम स्पेसिफिक कोई चीज पूछनी है तो कमेंट सेक्शन से आर ओपन मेक श्योर आप कमेंट करो ऑल्सो इस फोन के रिलेटेड आप कौन से वीडियो देखना चाहोगे वो भी मुझे बता देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिसो इसलिमेंट एंड आल कैच यू In the next one, bye.